नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आप देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम मौजूद हैं। हर वक्त पिछले एक महीने से हर दिन हम यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे कोई दिखे या फिर ना दिखे, लेकिन विशेष शिक्षकों की जो भीड़ है वो अक्सर हमें देखने को मिलती है। चेहरे परिचित हैं यहाँ पर, आप सारे देख सकते हैं। हम जानेंगे, ज़्यादा बातें ना करके हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि क्या हो रहा है। अभी तक एक महीने हो चुके हैं, एक ही सवाल बार बार करते हैं। देखिए, एक महीने हो गए हैं और आपने कहा कि एक ही सवाल बार बार, तो बार बार क्या, मुझे लगता है कि अनगिनत जो है आप सवाल करेंगे, हम लोग वही एक ही बात बोलेंगे कि सामंजन। आज हम लोगों का स्ट्राइक का 30वां दिन है, 30 डेज पूरा हो गया। बिहार सरकार आज भी सो रही है और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति पैदा करने वाले अपर शिक्षा सचिव के पाठक महोदय से निवेदन करेंगे कि एक बार जो है दृष्टि आप जो है इधर भी घुमा के देख लीजिए। हम भी जो है एक शिक्षक हैं और उन दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देते हैं जिनको सामान्य शिक्षक नहीं दे रहा है, शिक्षा पूर्ण रूप से बाधित है। आप शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के पढ़ाने के लिए आप क्रांति पैदा किए हैं, लेकिन उस क्रांति में दिव्यांग बच्चों को दूर मत करिए, नहीं तो ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि विशेष शिक्षक की बहाली हो, उसके आलोक में 7200 पद स्वीकृत बिहार सरकार ने किया है, तो हम लोगों का डिमांड है कि हम लोग विगत 2005-06 से लगभग 17 वर्षों से पढ़ाते हुए उन बच्चों को आए हुए हैं संविदा पे। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप नई भर्ती निकाल रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, तो हमारी संख्या पूरे बिहार में 963 है, तो 963 विशेष शिक्षकों को उस स्वीकृत पद पे जो है सामंजन किया जाए और हम लोगों को अधिकार दिया जाए और मान सम्मान दोनों हम लोगों का जो है ध्यान रखा जाए बिहार सरकार की तरफ से। यदि बिहार सरकार अगर हमारे विषय में नहीं सोचती है, सामंजन की प्रक्रिया नहीं करती है, तो इसका भयावह परिणाम आने वाला है जो कि हम लोग अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं। हमारी ये भीड़ देख रहे हैं, ये भूखे प्यासे 30 दिन से आए हुए हैं, यहाँ पे कोई राजा का लड़का नहीं बैठा हुआ, सब गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले और 14700 रुपया पाने वाले ये विशेष शिक्षक बैठे हुए हैं। हमारी परीक्षा इतना मत लीजिए कि हम लोग जो भूखे प्यासे ऐसे मर जाएं, तो मरेंगे तो शान से मरेंगे, जिएंगे तो शान से मरेंगे। और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में 17 वर्षों से हम लोग क्रांति पैदा करते आए हुए हैं, उन्हीं विशेष शिक्षकों के आधार पे दिव्यांग बच्चों का जो बजट केंद्र सरकार से करोड़ों रुपया लिया जा रहा है उसकी देन हम लोग हैं। हम लोगों पे भी सरकार ध्यान दे और सामंजन की प्रक्रिया अविलंब पूरा करे, अर्थात क्योंकि हमारे मित्र भूखे प्यासे हैं, कह रहे हैं कि सरकार नहीं करती है तो शान से हम लोग जो आत्महत्या करेंगे। और आत्महत्या करने के पहले पूरे बिहार सरकार को जो हम लोग जो है डंके की चोट पे जो है ऐलान करेंगे कि बिहार सरकार आज हम यह करने जा रहे हैं और यह कब्रिस्तान जो है गर्दनी बाग नहीं, वह शिक्षा विभाग बनेगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि जान दे देंगे, आत्मदाह कर लेंगे, तो क्या आत्मदाह से आप लोग का आपका मिल जाएगा? आप एक बात समझिए कि 17 सालों से आप लोग मांग कर रहे हैं, लगातार मांग करने पर 1000 से 1500 रुपये आपका तनख्वाह बढ़ाया जाता है, 30 दिन से आप मांग कर रहे हैं समाजन को लेकर, वो सुना ही नहीं जा रहा है, अल्टीमेटम भी जारी कर दिया जाता है, हटने के लिए बोल दिया जाता है, आपको क्या लगता है कि आत्मदाह करने से आपको मिल जाएगा? देखिए, आपका तो मैं बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। विगत आप प्रतिदिन 28 दिनों से हम लोगों का न्यूज इस धरना स्थल पर आकर के कवरेज कर रहे हैं। मैं आपके इस गंभीर प्रश्न का जवाब रामचरितमानस में दो पात्रों के बीच में जो रामचरितमानस का चित्रण तुलसीदास ने किया है, तो उसमें एक चित्रण है नायक का और एक खलनायक का। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नायक की भूमिका में रहे और खलनायक की भूमिका में विश्व विजयी रावण। रावण के तमाम उपायों के बाद समझाने के बावजूद जब वह नहीं समझता है, तो उसके उन्हीं के लोगों ने उसी की भाषा में जाकर के समझाया कि रहा न कोई कुल रोमनिहारा। रावण प्रतापी राजा था, वेद का ज्ञाता था, प्रकांड विद्वान था, प्रकांड राजनीतिज्ञ था, वो सब कुछ जानता था, लेकिन वह कुछ ऐसी विभत्स कृत्यों को कर करके पाप के इतना सन्निकट चला गया था,
उसको उचित अनुचित का कहीं भान नहीं रहा। वक्त किसी को नहीं छोड़ता, ये वक्त से अपने आगे कह रहे हैं कि हम वक्त से आगे निकल चुके हैं, वक्त इनको आगे नहीं निकलेगा। और हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी रावण को जब समझा रहे थे तो रावण खुद समझा, तो हनुमान जी को रावण हनुमान जी ने रावण से कहा कि सठ सुने हरियाने ही मोही अधम नीलज जलाज नहीं तो ही, नीत सिखा रहा था अनीति अत्याचार करने वाला रावण हनुमान जी को नीति बता रहा था, हम नीतिमान हैं और चरित्र का कितना गिरा हुआ था। मैंने आपको बताया विगत के क्रम में जब आप हमारा वक्तव्य ले रहे होंगे तो हमने कि जिसके पास चरित्र बल नहीं, जिसके पास नैतिक बल नहीं, वह किस बात के लिए शासन कर रहा है। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ और नीतीश कुमार के बैठे क्या कहते हैं सूबे में जो लोग हैं जो इनको बुद्धि देते हैं, इनको रसातल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इनको समय अहंकार में है, जाति के अहंकार में है। कौन सी जात? हमारे भगवान राम कोल भीलों को लेकर के, बंदरों को, भालुओं को, रिक्षों को, बानरों को लेकर के अयोध्या से सेना नहीं बुलाई थी कि मन स्थिति हम जो हमारे मन में जो अत्याचार की भावना है वह किसी में ना हो और यह अपने आप को आतताइयों से कहीं आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों की संख्या है, इतनी संख्या है कि आप लोग सरकार हिलाने का दम रख सकते हैं अगर चाहें तो। आपको विशेष का दर्जा दिया गया 17 साल पहले, वो दर्जा ऐसा काम किया है कि आप लोग रोड पे ही उतरे हैं विगत एक महीने से, कहा जाए तो 17 सालों से ही आप रोड पे हैं, क्योंकि ध्यान तो दिया गया ना फैसिलिटीज़ को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में क्या आप लोग अपना गुस्सा वहाँ उतारेंगे? ज़रूर उतारेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सब सिर्फ मात्र 963 लोग हैं, 963 लोगों से जुड़े जितने भी प्रखंड के, हम सब एक तरह से पूरे प्रखंड के दिव्यांग बच्चों का, और दिव्यांग बच्चे हर एक प्रखंड में जितनी संख्या है उसके तो 2% 3% है ही हैं, तो 2% 3% भी अगर वोट इधर उधर डिस्टर्ब कर देते हैं तो सरकार को तो हिलाने का पावर हम सब रखते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते हैं। लेकिन माननीय श्री नीतीश कुमार जी से और ACS KK पाठक महोदय जी से हम लोग का बड़ा उम्मीद है कि वो लोग हम लोग को करेंगे। हम लोग को थोड़ा परीक्षा ले रहे हैं, ये चीज़ जान रहे हैं, हमारे जितने भी हैं तो परीक्षा की घड़ी थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन उम्मीद उनसे बेहतर है कि हम लोग का कल्याण जरूर करेंगे। एक तरह से पन्ना उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, उस पन्ना उलटने के क्रम में हम लोग का पन्ना या तो सट के बाहर चला जा रहा है या चाहे जो भी हो कि इधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो ये 30 दिन जो हम लोग का आज बीत गया है, वो 30 दिन बीतना हमें नहीं लगता है कि ये 30 दिन बीतता, लेकिन हम लोग इंतजार में हैं और अच्छा हो। ऐसा लग रहा है कि व्यर्थ नहीं जाएगा ये 30 दिन, तो बिल्कुल नहीं जाएगा। खुद को उस हिसाब का बता के विशेष का दर्जा इन्होंने लिया नहीं है, ये हक रखते थे वैसा कि विशेष का दर्जा इन्हें मिले, इन्हें विशेष का दर्जा दिया गया। 17 सालों से विगत ये कार्यरत हैं और वहाँ पर हम देखें तो गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम एक महीने से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें यहाँ पर देखकर तो आप भी जान गए होंगे कि कितनी दुखद ये बात है कि बिहार सरकार अब तक इनकी बातों को अनसुनी कर रही है। हम एक बात हमेशा बोलते हैं और आज फिर से बोलेंगे कि 3 दिसंबर को दिव्यांगता दिवस था, उस दिन भी सरकार के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकली। ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जिन शिक्षकों को आपने विशेष बनाया उनकी तुलना आप एक तरफ सामान्य शिक्षक से कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें उनका हक ना देकर आप साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि आपने विशेष बस एक टैग दिया है उन्हें कि हम आपको विशेष शिक्षक मानते हैं, लेकिन उसका दर्जा अभी तक आपने उन्हें नहीं दिया है। तो आगे चलकर देखना पड़ेगा, देखना होगा कि किस तरीके से ये कब तक बैठे रहते हैं। नए साल 2024 आने वाले थे, देखते हैं 24 में इन्हें इनका हक मिलता है या फिर ऐसे ही धरना जारी रहेगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो, देखते रहे 24। मैंने अंदर राहुल के साथ, धन्यवाद।